हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक IIT एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्लास 12th के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उस पर आधारित एक प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए टी माइनस एंटी एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। जो t है वो r से आ रहा है एट t बराबर पाई बाई टू पे टेंजेंट क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए, आपका पैरामीटर तो आपको पता लग गया होगा क्या यहाँ पर t है, और आपको जब भी केस आता है स्लोप का, तो जब भी केस आता है स्लोप निकालने के लिए कर्व के फॉर्म में, तो जो स्लोप होती है वो क्या होती है, स्लोप m जो होता है वो होता है dy/dx। और यहाँ पर हमारा पैरामीटर चूँकि t है, सो क्या कर्व निकालना पड़ेगा हमें, dy/dt/dx/dt, और फिर t के प्लस से पाई बटो रख देना आप। सो ये बेसिक आइडिया तो हमें लग चुका है। नाउ dy/dt निकालते हैं, सिंस y हमारे पास क्या है, e 1 माइनस cos t। सो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सो ए तो वैसा का वैसा 1 का 0, cos t का क्या होता है माइनस का sin t। सो ये आ गया ए sin t, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं dx/dt। x हमारे पास क्या है, ए t माइनस sin t। सो dx/dt क्या होगा, देखो dx/dt या ए t का डेरिवेटिव 1 और sin t का क्या होता है cos t, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। अब देखिए dx/dt मिल चुका है, dy/dt मिल चुका है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो देखो हमें क्या मिलेगा, dy/dt की वैल्यू हमें क्या मिली थी, a sin t, एंड dx/dt की वैल्यू मिली हमें a 1 माइनस cos t। सो इसे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा sin t 1 माइनस cos t एट t इक्वल्स टू क्या होता है, हमें दे रखा था पाई बाई टू, तो t के बस पाई बाई टू रखते हैं, sin पाई बाई टू 1 माइनस cos पाई बाई टू, ठीक है। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, sin पाई बाई टू की वैल्यू 1 एंड 1 माइनस cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 0। सो 1/1 इज 1। सो आपका जो आंसर है वो थर्ड वाला ट्रू चला जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना। और ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे जिनके मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे।